भैया पेपर दे गया, बताइए भैया समीक्षा दी कैसा आया था ये? जीएस का तो टफ था, हाँ पर हिंदी का इजी था। जीएस कैसी पूछी थी, टफ का मतलब? टफ था मतलब मॉडरेट टू टफ था। हाँ, कथन वाले क्वेश्चन थे ना? हाँ, कथन वाले ज्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन से कैसा आया था, नॉर्मल था कि वो? कॉन्स्टिट्यूशन तो नॉर्मल था, थियोरेटिकल थी। हाँ, जैसे मेरा फील्ड उसका जुडिशरी का है, तो क्वालिटी मुझे कठिन नहीं था। अच्छा अच्छा। और सेकंड शिफ्ट वाले में? सेकंड हिंदी तो आसान था, काफी आसान। ये ऐसा तो नहीं था बहुत तत्सम कुछ तब पूछा हो या? नहीं नहीं नहीं, बहुत आसान, इजी था। थैंक यू भाई। इसमें तो 50 प्लस स्कोर जाएगा, 55 भी जाएगा सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में कितना लग रहा? मैं अपना अप्रॉक्स बहुत जाएगा तो 80 खाली, 80-90। भीड़ थी ना? हाँ भीड़। समीक्षा अधिकारी का पेपर देके आया भाई, कैसा आया था ये? पहले फर्स्ट शिफ्ट वाला बताओ। फर्स्ट शिफ्ट वाला ही बढ़िया पेपर था। हाँ, क्या क्या मतलब कैसा? कथन वाले थे ना? सबसे ज्यादा उसी में टाइम वेस्ट होता है, टाइम कम पड़ जाएगा उसमें तो। कैसा मतलब वो टफ आया था कि मॉडरेट था? पढ़ा है तो उतना टफ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है बस। अच्छा, तैयारी कर रहे थे ना पहले? अच्छा। और सेकंड शिफ्ट वाला कैसा है? सेकंड शिफ्ट वाला तो बढ़िया रहा, हिंदी का था, पहले भी हो गया था समय से पहले। हिंदी कैसी आई थी? हिंदी ठीक थी, थोड़ा वीक और ज्यादा अंदर जाके थी मतलब। अच्छा, और उसमें से हिंदी के अलावा और भी कुछ था उसमें? नहीं, और कुछ नहीं, हिंदी। अच्छा, फर्स्ट वाले में रीजनिंग पूछी थी? रीजनिंग नॉर्मल थी, रीजनिंग नॉर्मल थी, मैथ भी नॉर्मल थी। सबसे ज्यादा जीएस के स्कोप है। जीएस में कौन कौन सा मतलब पार्ट हो गया? जियोग्राफी हो गया, वर्ल्ड हो गया, सारी चीजों का।